एक दौर था जब राजस्थान से लेकर पूरे देश की नजरें सचिन पायलट पर टिकी हुई थी और अटकलों का बाजार इस बात को लेकर गर्म था कि पायलट बहुत जल्द कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं। तब बीजेपी के कई दिग्गज नेता सचिन पायलट के अपनी ही पार्टी की सरकार के प्रति बगावती तेवर की जमकर सराहना कर रहे थे। हर तरफ से राजनीतिक पंडित इसी बात की ओर इशारा कर रहे थे कि सचिन पायलट के बगावती सुर कांग्रेस के प्रति उनके बैराग का संकेत है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में सचिन पायलट भी अपने बगावती सुर से पीछे हट गए और विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जमकर समर्थन किया। और अब एक ये दौर है जब बीजेपी के नेता पायलट पर हमला करने का कोई भी सियासी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। एक समय में सचिन पायलट की तारीफ करने वाले बीजेपी के नेता ही अब उन पर जमकर निशाना साध रहे हैं। शुरुआत बीजेपी के नए नवेले राजस्थान के प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने की। राधा मोहन अग्रवाल ने पायलट के जमींदोज होने से लेकर ये तक कह डाला कि अगर प्रदेश में रहने के दौरान उनकी जान को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा तो इसके लिए जिम्मेदार सचिन पायलट होंगे। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी पायलट पर निशाना साधा। सचिन पायलट पर एक तरफा हमले को राजनीतिक विश्लेषक पायलट के प्रति बीजेपी की नाराजगी के रूप में देख रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अब आने वाले दिनों में बीजेपी को सचिन पायलट की कड़ी प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव में पायलट की कांग्रेस के लिए की गई सबसे ज्यादा रैली भी पायलट की लोकप्रियता की एक निशानी थी। राजस्थान में भी सचिन पायलट के चलते कांग्रेस को बड़ी सफलता लोकसभा चुनाव में मिली थी। ऐसे में बीजेपी पहले से ही सचिन पायलट के खिलाफ प्रदेश में जमीन तैयार करने में लग गई है। आने वाले समय में 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव भी होने हैं। राधा मोहन अग्रवाल का पायलट पर निशाना साधना भी उसी रणनीति का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के नेताओं के प्रति राधा मोहन दास अग्रवाल के भड़काऊ बयानों को लेकर मोर्चा खोल रखा है। प्रदेश में हर तरफ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अग्रवाल के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि अग्रवाल के प्रति विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि वो कांग्रेस के नेताओं से माफी नहीं मांग लेते। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।